हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर, ओके, चैप्टर नंबर 4। और बेटा देखिए, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। और हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी हम जो है मटेरियल्स को तीन उसमें डिवाइड करते हैं, तीन ग्रुप्स में। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, सेकंड ट्रांसल्यूशेंट एंड थर्ड वन ओपेक। ओके बेटा, सो ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आप क्या कह सकते हैं, जैसे विंडो ग्लास है, एयर है, इज इट क्लियर बेटा? तो ये जो है क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है। तो कौन से होते हैं ट्रांसपेरेंट, थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। ओके, ट्रांसल्यूशेंट थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली, या दूसरी डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो, थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली, सी पार्शियली। ठीक है, यानी एक तो आप इसके अपोजिट डेफिनेशन दे सकते हो कि भाई ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली, या थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसमें जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो दुपट्टा, ऑयली पेपर। ऑयली पेपर क्या होता है, जैसे जब हम छोटे थे ना तो हम बहुत करते थे, कोई पेपर लिया और उसको सिर में घुमाया तो सिर का जो ऑयल होता था वो पेपर पे लग जाता था। अब आप पेपर से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देगा कुछ भी। ठीक है, तो ऑयली पेपर है, दुपट्टा है, आइस क्यूब्स आप कह सकते हैं, आइस क्यूब्स। ठीक है, इनमें से आपको पार्शियली दिखाई देगा। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, यानी आप बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं देख सकते, तो जैसे वॉल है, क्या आप वॉल के दूसरी साइड में देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा? तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, बेंचेस हैं या वुड कह सकते हो आप, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू अगर हम आप एक साइड से देखना चाहें तो दूसरी साइड आप नहीं देख सकते, अंडरस्टैंड? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है? ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बची है बेटा, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक मिनट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हम डिस्कस करेंगे अभी, फ्लोट एंड सिंक। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोटेबिलिटी। फ्लोटेबिलिटी क्या होती है, फ्लोटेबिलिटी। ओके बेटा, तो फ्लोटेबिलिटी में देखें दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, एक तो द सब्सटेंस और मटेरियल विच कैन बी फ्लोट एंड विच कैन बी सिंक। ओके, तो फ्लोट मीन्स जो क्या होते हैं, तैरते हैं, और ये जो डूब जाते हैं। अब देखिए ये जो फ्लोट होते हैं तो हम क्या कहेंगे, द मटेरियल विच आर लाइटर देन वाटर, जो वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। अगर हम बड़ी क्लास की बात करें तो हम कहते हैं जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, और ये वो मटेरियल हैं विच आर हैवियर देन वाटर। ठीक है, यानी ये वो मटेरियल हैं जो वाटर से क्या होते हैं, हैवियर होते हैं, भारी होते हैं, तो ये क्या करेंगे, उसके अंदर डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। अब जैसे फ्लोट की अगर हम बात करें, कौन से मटेरियल फ्लोट करते हैं, तो फ्लोट की अगर हम बात करें तो फ्लोट कौन कौन से मटेरियल करते हैं, तो देखिए फ्लोट आप कह सकते हो रबर बॉल, वुड, ठीक है, प्लास्टिक बोतल
अंडरस्टैंड बेटा, पेपर बोट यानी ये ऐसे मटेरियल है जो क्या करेंगे, पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। और अगर सिंक की बात करें तो आपको पता है स्टोन की, कॉइन, ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा, और भी बहुत से मटेरियल हैं, तो ये क्या करेंगे वाटर में सिंक कर लेंगे, अंडरस्टैंड। तो वो मटेरियल जो वाटर से हल्के होते हैं वो तो क्या करेंगे फ्लोट करेंगे, उसके ऊपर तैरेंगे, ठीक है, और वो मटेरियल जो वाटर से हैवियर है वो क्या करेंगे उसके अंदर डूब जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ हमारा टॉपिक बचा हुआ उसको कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।